वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। सब कैसे हो आप लोग? अभी 1 मंथ हो गया और 1 मंथ से कोई भी वीडियो अभी हमने डाला नहीं था। सो आज अभी हम वीडियो डालने जा रहे हैं। आपने थंबनेल और टाइटल तो देख लिया होगा, आपको पता होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। सो आज 70 किलोमीटर्स की राइड है, काफ़ी शॉर्ट राइड है जो हम वन स्टेज में इंशाल्लाह कम्प्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं वड़ा पाव खाने के लिए, वो भी 70 किलोमीटर दूर नासिक से। ये भी कोई चीज़ होती है होती है। यहाँ पे सनलाइट आ रही है, वीडियो अच्छा बन रहा है, लेकिन हमें कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर हमारा भाई दानिश हमारे साथ है, जो गाड़ी आज राइड करने वाला है हमारे लिए, और अभी कुछ नया हेयर कट का लुक ट्राई किया है। तो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ। सो चलो चलते हैं, राइड की शुरुआत करते हैं दानिश के साथ में। तो भाई दानिश भाई, गाड़ी कैसी चलाओगे? स्लो चलाओगे, स्पीड में चलाओ? स्पीड में चलाइए, स्पीड में। मतलब हमारी जान को खतरा है? जैसा खतरा है। ओ माय गॉड, बच के रहना पड़ेगा, बच के रहेगा तो ब्लॉग आपको मिल जाएगा भाई। चलो चलते हैं, देखते हैं आगे का सफर। बूम। तो अभी हमने 20 किलोमीटर्स अराउंड कंप्लीट कर चुके हैं राइड के। राइड के पार्टनर हमारे पीछे खड़े हैं, वो कह रहे हैं हमें वीडियो मतलब बहुत ही डस्टी मूव हो चुका है। और यहाँ पर हमारे साथ देखो वड़ा पाव विद वड़ा पाव। क्यों भाई? हमें बताओ कि अभी हम जो जगह पर खड़े, जो लोकेशन है, कहाँ पर खड़े हैं अभी हम? अरे बोलो यार, बोलो। सिंगर है ये? मोहद मोहद बोल रहे हैं, बहुत ही मोहद अली। मोहद अली भाई ने बोल दिया, मोहद डाल दिया भाई ने बोल के। क्या मोहद अली में हम? मुझे सर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए मैं राइड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो अभी भाई वड़ा पाव बना रहे हैं, और अभी हम जा रहे खा रहे हैं वड़ा पाव खाने। जिन तो वड़ा पाव तो खा नहीं सकते, फ्रेशर अप हो जाते हैं, यहाँ पर चाय वगैरह पी लेते। हमारा जो राइडर कहता है भाई चाय पियेंगे, चाय पी बोले। चलो भाई ठीक है, रुक के चाय पी लेते। यहाँ पर देखो अंकल लोग हमारे साथ वीडियो में, कुछ बोलना चाहोगे अंकल? आप क्या बोल सकते ड्राइवर लोग को? क्या बोल सकते? ड्राइवर हो आप? ट्रक ड्राइवर हो आप? ओहो, ट्रक ड्राइवर अंकल जी का काफी थकावा था चेहरा। तो कोई नहीं, हैवी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर को हैवी ड्राइवर बोलते हैं। हमें पीछे से भाई सिखा रहे, क्या बोलते हैं भाई ट्रक ड्राइवर को? ट्रक ड्राइवर ही बोलते हैं। फिर हैवी ड्राइवर किसको बोलते हैं? हैवी गाड़ी चलाने वाले। ओके, तो हमारा भाई जो है बीस्ट ड्राइवर है, क्योंकि वो हमारी बीस्ट ड्राइव कर रहा है आज की भाई। यस। तब यहाँ से कितनी देर में निकलना है? निकलेंगे 5-10 मिनट। ओके, सुशु सुशु लगी है? नहीं। What the fuck? यार भाई जाने दो, चलो कोई नहीं। तो अभी चाय वाय पीना हो गया कंप्लीट, और यहाँ पर अभी हम बैठे कहाँ पर है? इसके ऊपर बैठे हैं, ये यहाँ पर देखो खटिया भाई, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठने के लिए। तो उठने का मन नहीं हो रहा, और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ मैं व्यू, बहुत ही बढ़िया व्यू है। और यहाँ पर हमारा छोटू राम बैठा है, क्या गजब की चाय बनाई थी उसने भाई साहब। नासिक में भी नहीं पी मैंने ऐसी चाय। सही बात है, चाय कैसी? बढ़िया थी, बढ़िया थी। सो कोई नहीं भाई, अभी निकलते यहाँ से, अब बढ़ते सफर की और मिलता हूँ अभी डायरेक्ट में नसीब वड़ा पाव सेंटर पे आपको। तब तक के लिए बने रहे वीडियो में। बूम बूम, फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हमें आना था, नसीब वड़ा पाव सेंटर। 70 किलोमीटर्स की जर्नी थी, थोड़ा सा रास्ता खराब था, बाकी सब कुछ नहीं, बाकी सब तो बढ़िया है। यहाँ पर अभी आए हैं हम, तो यहाँ पर ज़रूर खाएंगे। और यहाँ पर कितना रश होता है आप सबको पता है, आपने अगर YouTube में ब्लॉग्स में देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो कोई नहीं, देख लेना मेरे ब्लॉग के थ्रू। देखो अभी भी कितनी सारी लाइन, जनता पीछे बैठी है, जनता मानती नहीं भाई खाने के लिए। और हमारे ड्राइवर ने, सॉरी हमारे भाई ने, अरे यार मेरा भाई
दानिश ने आज बहुत ही बढ़िया तरीके से बाइक चलाई है। बाकी वो आपने अगर वीडियो देखा होगा तो स्टार्टिंग में देखा होगा कि बुलेट के ऊपर एक चार लोग एक साथ गाड़ी चला रहे। यार बहुत ही रिस्की, ऐसा करो मत वरना हमें बुलेट वालों को बोलना पड़ेगा सीट थोड़ा सा और बड़ा कर लो। वैसे तो है ही बड़ा, लेकिन इंडिया है यार, इंडिया की जनता मानती नहीं है, बहुत ही जुगाड़ू लोग है। सो फाइनली देखो भाई साहब पीछे है नसीब वड़ा पाव सेंटर, यहाँ पर अभी हम अंदर चलते हैं, देखते किस तरह से वड़ा पाव बन रहा है। और यहाँ पर देखो पब्लिक गाते हुए वड़ा पाव। यहाँ पे अंकल जी, कहाँ से हो अंकल जी आप? मैं मुंबई से आया हूँ। बॉम्बे से? ओ माय गॉड, बॉम्बे से आए अंकल जी हमारे साथ। तो अंकल जी टेस्ट बताओ, यहाँ का टेस्ट कैसा है? बहुत बहुत फेमस है इसलिए या सही में टेस्ट बढ़िया? सही में, आप भी खा के देख सकते हो मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू भाई, मैं खाऊंगा। या सो कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते। व्लॉग बनाते बनाते सिनेमैटिक शॉट आप लोगों के बनाते बनाते मुझे हमारे भाई मिल गए, विश्वजीत भाई। सही नाम लिया मैंने? बिल्कुल सही नाम लिया है हमने। तो भाई हमें कह रहे थे कि हमें भी व्लॉग में ले लो। भाई कैसे लग रहा है व्लॉग में आके, कुछ बोलना चाहोगे जनता को? यार आप लुक्स दे रहे हो यार सलमान खान की तरह, प्लीज़ यार कुछ बोल दो, दो लफ्ज़ बोल दो। क्या कहोगे किस बारे में? लेकिन चैनल के लिए बोल दो, वड़ा पाव सेंटर पे जा आप आए उस चीज़ के लिए बोल दो, कई तो कुछ तो बोल दो यार। जब व्लॉग में आप ऐसे रुके रुके सूखे सूखे मज़ा नहीं आता है, बोलो बोलो। वड़ा पाव तो फेमस है ऑलरेडी, उसके बारे में क्या बोलना है? क्या बात है भाई, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, अभी जनता को बता दो। और आप सब लोग भी इसका चैनल भाई का सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, देख रहे हो तो हमने नहीं हमारे भाई ने बोला है। ओके सो आओ हमारे साथ चल, यहाँ पर देखते हैं नसीब वड़ा पाव सेंटर में, नाम काफी बढ़िया रखा है नसीब वड़ा पाव, जिसके नसीब में होगा उसे यहाँ पर वड़ा पाव मिल जाएगा। और यहाँ पर आओ देखो, यहाँ पर कटिंग कैसे चल रही है, पटवारे की। भाई किस चीज के लिए आप चार्ज कर रहे हो? वड़े के लिए। वड़े में, वड़े का तो बन होता है ना? ओके ओके, सो मोहम्मद भाई हमें मतलब ये कटिंग की हो रही है, वड़े में डालते हो आप? ओके, काफी यूनिक स्टाइल इनका, वड़े में डाला जाता है, वो भी ब्रेड, पाव भी कहते हैं, ब्रेड भी कहते हैं, इंडियन वड़े तो हम ब्रेड ही कह के, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं यार। सो फाइनली देखो आप कितने सारे वड़े, कितने हो गए लगभग? 100 100 100। और दिन में कितने खत्म होते हैं, दिन भर में कितना होता है? गिनते नहीं यार, अनलिमिटेड है भाई, आओ खाओ मजे करो। यहाँ पर जनता की लाइन देख सकते हो, इंडिया की जनता है भाई, संगम नेर में सब लोग, बॉम्बे पुणे नासिक जैसे हम आए वैसे हर जगह से हर कोई आया है यहाँ पर सिर्फ खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो दिल्ली से भी काफ़ी काफ़ी लोग आते हैं ब्रो, लेकिन कोई नहीं। देखो कितने फटफट बन रहा है यहाँ पर, आओ भाई आओ। ये देखो भाई आपका नाम क्या है? आरिफ, आरिफ शेख नाम है मेरी जान का। तो देखो किस तरह से फटफट डाल रहे हैं आलू, थोड़ा सा जूम करना भाई। अरे अभी फ्रेम में प्रॉपर, ये जो ब्रेड है उस ब्रेड को आप देखो वो किस तरीके से डाल रहे हैं आलू की चटनी में। यस राइट, आलू की चटनी, आलू की चटनी में डाल रहे हैं। और यहाँ से अभी हमारे भाई आलू की चटनी को डाल रहे बेसन में। और देखो हाथ क्या फटफट चल रहे हैं गुलगुले के हमारे वड़े पाव के लिए। सो देखो अंदर जाते हुए तेल के अंदर ये वड़ा पाव बनते हुए, अभी गरम गरम वड़ा पाव अभी हम लोग खाएंगे। और हमारे साथ की जो जनता खड़ी है वो भी खाएगी, इंजॉय करेंगे यार, इंजॉय करने आते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी अपने कंफर्ट, आप लोग भी ज़रा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ थोड़ा, और यहाँ पर आके इंजॉय करो अपना वड़ा पाव। अभी अभी तक तो मैंने टेस्ट नहीं किया है, तारीफ तो पहले ही कर दी, क्योंकि तारीफ़ नाम वो चीज़ है। अभी हम इसे खाएंगे और खाते खाते आपको इसकी तारीफ बताते कि चीज़ क्या और कैसा है। तो वीडियो में बनाया तब तक के लिए वो। तो अभी हमें हमारा वड़ा जो कि है वो मिल चुका है, और साथ में पाव भी मिली और मिर्ची भी मिली। और यहाँ पर देखो भाई साहब दुकान ही जा रहा है, अभी मुँह से आ रहा है पानी, निकल जाएगा बाहर, उसके पहले पानी को अंदर ही दबा लेते हैं, फटफट खाते हैं टेस्ट करते हैं ब्रो। पीछे देख, तो फाइनली वड़ा पाव देख सकते हो, गोल मटोल है मेरी तरह, हमारे कैमरा मैन की तरह, इसे अभी हमने डाला इसे देखते हैं। जितनी ज़्यादा हॉट लड़की नहीं होती उससे ज़्यादा हॉट वड़ा पाव है यार, बोला भी नहीं जा रहा। और टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया है।
क्यों भाई, सही बोला है नहीं? हमने तो खा लिया ना, हमारा रिएक्शन आपको बता रहे हैं ब्रो। देख ये हमारे साथ है ब्रो, ये हमारे साथ है। और वैसे भी मैं खाते वक्त किसी से भी बात नहीं करता हूँ, खा तो लिया है, खाने के बाद रियल रिएक्शन बताऊंगा। तो पहले हम दोनों गा रहे थे यार, मेरा कैमरा मैन कह रहे थे कैमरा बंद करने दे। तो पहले अभी हमने एक एक वड़ा पाव खाया, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो फिर मुझे हो गई है सर्दी, मैं ज़्यादा खा नहीं सकता, लेकिन इतने दूर आए खाए नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। क्यों भाई, सही बात है। तो फिर हमने एक एक और लिया है, तो यहाँ देखो एक और दो वड़ा और दो पाव, मतलब टोटल तीन है। ये गया लेने बोला ले ले दो, ले तो लिया दो। फिर कहता है एक और ले लो, बोला क्यों? मैं बोला ले 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 यार खा ले। बन इधर आ, इधर आ, इधर आ, बोल बोल मुझे बता एक और क्यों बोला? अच्छा इसमें समझ गए ना आप समझदार हो, समझ गए हो गए आज, समझदार हो। चलो खाते एंजॉय करते हैं आप ही के सामने। हेलमेट आ जाओ, आप भी फ्रेम में आ जाओ, आ जाओ फ्रेम में। तो ये भाई क्यों भाई किसी को नाराज किया जाए? भाई कह रहे चैनल का नाम बोलो, हम गए आपको ब्लॉग में ही ले लेते। क्यों आपको भी आना है ना? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। आप यही क्यों? तो भाई यही क्या लकी है, हमेशा खाते हो गए आप पाव वाले? वाह वाह वाह, उनका ही पाव खा रहे हम। ऐसा नहीं क्या भाई, कैसा भी बनाते बहुत ही हाइजेनिक तरीके से बनाते, आप देख रहे होगे मैंने दिखाया आपको। पाव भी एकदम नीट एंड क्लीन है, अंदर का जो यूनिकनेस है वो टेस्ट करने के बाद आ ही रहा है। चलो खाते हैं। तो अभी वड़ा पाव खा के हमारा पेट तो भर चुका है, पूरी तरीके से फुल टाइट है। क्या मज़ा आया ना? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया खा के, क्योंकि यूनिकनेस बहुत है यहाँ पर। और यहाँ की ना बड़ी विद चड्डी, ये क्या था? बड़ी विद चड्डी, ये जो भी था अच्छा। सो अभी खाकर तो हो चुका है, अभी वेट कर रहे हैं अभी अंकल जी का, जो हमारे चाचा है। चाचा अभी तक यहाँ पर, जब हम आए तब थे अभी, लेकिन अभी नहीं है, अभी आएंगे उस टाइम में। तो अभी उनसे मिलते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं और फिर निकलते हैं। देखते हैं आज हमारे नसीब में है चाचा जान से मिलना है। क्यों भाई, नसीब बड़ा पाव। हाँ बड़ा बढ़िया, पीछे सनलाइट की रेज आ रही है, वीडियो अच्छा बन रहा है, ब्लॉग अच्छा बन रहा है। बस ब्लॉग को लाइक करो यार और शेयर करो जितना कर सकते हो। वर्ल्ड फेमस बड़ा पाव हो चुका है ये, ओके। सो फाइनली जिनका वेट था वो आ चुके हैं, अंसार चाचा पीछे देख सकते हो आप। सो चलो यही से अंकल जी से हम ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम पहले। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आपका हमने बड़ा पाव खाया, अच्छा काफी बेहतरीन लगा बिल्कुल। तो अभी आपके वड़े पाव के बारे में एक यूनिकनेस हमें पता चली कि आप उसके अंदर ब्रेड डालते हो। हाँ हाँ। तो कुछ क्या रीजन है ऐसा? कुछ वैसा कोई रीजन नहीं है। अच्छा, वो पहले से आदत है ना हमारे को। अच्छा। हाँ, डालने की, तो उसके वो हिसाब से डालते हैं। अच्छा, ऐसा कोई उसका ये नहीं है। नहीं रीजन कोई नहीं है, रीजन कोई नहीं। आपकी टीम बनाती है मसाले, आप खुद बनाते हो? हम खुद बनाते हैं, मसाला है ना जो। हाँ। मैं खुद बनाता। अच्छा। टीम मेरी को वो मदद करती, मदद मैं कोई हाथ नहीं लगाता उनको। अच्छा, वो उनको बोलने का ये इतना लो उतना लो कर लेते बराबर। क्या बात है, काफी पुराना दिखता है आपका, कितने टाइम? मेरी 78 से चालू है ना सर जी। 78 मतलब 1978 से इनका चालू है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और नाम भी आपने बहुत ही अच्छा रखा है शॉप का, नसीब बड़ा पाव। तो मैं अभी ब्लॉग बनाते बनाते पहले वही बोल रहा था कि अंकल जी जो हमारे सामने गए लेकिन अभी दिख नहीं रहे। तो अभी देखते हैं, हमारे नसीब में है अंकल जी से मिलना, उनका वड़ा तो था ही नसीब सर। सो एक दो लफ्ज आपके सुना दो, आप जो बोलते हो किती घेता नेता। हाँ, वो तो उधर चलो ठीक है, देखते रहते ना उधर। तो उधर हम कभी आए वो चालू हो जाता हमारा। अच्छा, रूटीन का नेता एक खांदी पेता का तुम्हारा चटका दी का ये चालू हो जाता हमारा उधर। खाता का नेता चाल ना 10 रुपये उरले एखादी पेता का
ओ थे तो माई बाप ओ लगे थे तो माई बाप साथ में तो एक खाली पेटो का पेटे साथ में तो एक पेटो आधा रुपया चाली तो दहा नहीं तो एक खाली नौ नहीं था सर अठा दोन पेटा का अठा वड़े अठा भाव नहीं था दोन पेटा सरांना चटका भी दे ठीक है मां यांना दहा द्या बरं महिना झाला सर उभे दहा वडे आणि दहा पाव दे अत्यंत भयंकर वेगाने आणि यांना विचारतो का सय्यद भाई खाता का नेता का एखादी पेता दोन पेता अच्छा आणि पाच खाता बर हे आता झाले आता फोटो अच्छा अच्छा घ्या सो गाइज अभी वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है तो चलो अंकल के साथ ही क्यों ना वीडियो एंड किया जाए तो अंकल जी आपको बोलना है वीडियो को लाइक करो चैनल को कर दे सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करो करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बूम बूम बूम